फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि कौन सी मोटर कितने आरपीएम में है, 1440 आरपीएम में है, 960 आरपीएम में है या फिर 2880 आरपीएम में। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपको दोस्त मेरा, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो मोटर होती है वो तीन टाइप की होती है। एक जो होती है वो टुल्लू पंप की मोटर जो हमारे घरों में होती है, वो टू पोल की होती है। टू पोल का मतलब है कि उसके एक सर्किट में सिर्फ दो ही सेट होते हैं आमने सामने। अगर वो सिंगल फेज की है तो दो सेट रनिंग में होंगे और दो सेट स्टार्टिंग में होंगे, जैसे कि टुल्लू पंप की मोटर होती है। तो वो मोटर 2800 आरपीएम में होती है, उसको 2880 भी कह देते हैं, और 2900 आरपीएम तक वो चल सकती है सिंक्रोनस स्पीड में। अगर टू पोल की मोटर थ्री फेज में है तो उसके अंदर जो टोटल सेट होंगे वो छह सेट होंगे। टू पोल गुणा थ्री फेज बराबर होता है छह। तो थ्री फेज में टू पोल की मोटर में छह सेट होंगे और उसके जो आरपीएम होंगे वो भी 2880 ही आरपीएम होंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि छह सेट होने के बाद मोटर टू पोल कैसे हो गई, तो तीन फेज की मोटर है तो उसके अंदर जो सर्किट बनेंगे वो भी तीन सर्किट बनेंगे, यानी तीनों फेज के अलग अलग कनेक्शन होंगे। तो एक फेज में जो सेटों की संख्या आएगी तो वो दो ही सेट आएंगे एक फेज में। तो तीन सर्किट बनेंगे तो वो छह सेट तीन जगह डिवाइड हो जाएंगे, तो एक सर्किट में दो सेट आएंगे तो ये मोटर भी टू पोल में हो जाएगी, यानी इसके आरपीएम भी 2800 हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इससे नीचे कम वाले आरपीएम पे, तो इससे कम आरपीएम जो होते हैं वो 1400 आरपीएम होते हैं, 1440 या 1500 तक सिंक्रोनस स्पीड में। अगर सिंगल फेज की मोटर है तो चार सेट नीचे आएंगे रनिंग वाइंडिंग में और चार सेट ऊपर आएंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग में, यानी एक सर्किट में चार सेट आएंगे, यानी पोलों की संख्या चार हो जाएगी। तो वो मोटर 1440 या 1400 आरपीएम में उसको हम कहेंगे। और अगर फोर पोल की मोटर थ्री फेज में है तो उसके अंदर जो टोटल सेट होंगे वो 12 सेट होंगे, यानी फोर पोल गुणा थ्री फेज बराबर होगा 12 सेट, यानी उसके अंदर 1440 आरपीएम में जो सेट होंगे वो 12 सेट होंगे थ्री फेज में। सिंगल फेज में चार नीचे होंगे रनिंग बाइंडिंग में और चार ऊपर होंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग में। तो थ्री फेज में एक सर्किट में चार सेट आएंगे, तीन सर्किट अलग अलग बनेंगे, तो एक सर्किट में चार सेट आएंगे तो वो मोटर हो जाएगी फोर पोल की 1440 आरपीएम या 1400 आरपीएम में। अब बात करते हैं कि इससे कम आरपीएम कितने होते हैं, तो इससे कम आरपीएम होते हैं 960। अगर मोटर सिंगल फेज की है तो छह सेट नीचे होंगे रनिंग बाइंडिंग में और छह सेट ऊपर होंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग में, तो ये मोटर होगी 900 आरपीएम यानी 960 आरपीएम में। और अगर मोटर थ्री फेज की है तो उसके अंदर जो सेट होंगे वो छह पोल गुणा तीन बराबर होगा 6 × 3 = 18। थ्री फेज की मोटर में छह पोल में 18 सेट होंगे, यानी जिस मोटर के अंदर थ्री फेज में 18 सेट होंगे तो वो मोटर 900 आरपीएम यानी 960 आरपीएम की होती है। और इसके अंदर भी 18 सेटों के तीन अलग अलग सर्किट बनेंगे, यानी एक सर्किट में जो सेट आएंगे वो छह सेट आएंगे थ्री फेज में, छह सेटों के तीन सर्किट बनेंगे अलग अलग। तो ये मोटर हो जाएगी छह पोल यानी के 960 आरपीएम की। 960 आरपीएम की मोटर नॉर्मली चक्की वगैरह में यूज होती है। और अगर आप बात करें कि 960 आरपीएम से कम आरपीएम की मोटर कौन सी होती है, तो उससे कम होती है 720 आरपीएम। लेकिन 720 आरपीएम की मोटर नॉर्मली घरों वगैरह में यूज नहीं होती है, बहुत ही कमर्शियल यूज में आती है, बहुत ही कम यूज में। तो अगर 720 आरपीएम की मोटर सिंगल फेस में होगी तो उसके अंदर रनिंग बाइंडिंग में 8 सेट होंगे और स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी 8 सेट होंगे। और अगर 720 आरपीएम की मोटर थ्री फेज में होगी तो उसके अंदर जो टोटल सेट होंगे वो 8 पोल गुणा थ्री फेज बराबर होगा 24 सेट। अगर मोटर 720 आरपीएम में है तो उसके अंदर जो टोटल सेट होंगे वो 24 सेट होंगे, और उसके जब हम कनेक्शन करेंगे तीन अलग अलग सर्किट में तो एक सर्किट में 8 सेट आएंगे, यानी ये मोटर 8 पोल की होगी। लेकिन नॉर्मली 8 पोल की मोटर का यूज इतना नहीं होता, नॉर्मली जो मोटर यूज में आती है वो 960 आरपीएम में यानी कि 6 पोल में, और 1440 आरपीएम में यानी 4 पोल में, और 2880 आरपीएम में यानी कि 2 पोल में। और अगर 2880 आरपीएम से ऊपर अगर मोटर के आरपीएम चाहिए होते हैं तो फिर उस मोटर के अंदर आर्मेचर की बाइंडिंग की जाती है और उसके अंदर कम्यूटेटर लगाया जाता है, उससे उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है। तो फिर इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी मोटर कितने आरपीएम में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।